लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। ओके, कोई लाइब्रेरी है, ओके, वो किराए पे किताबें वगैरह देती होगी, तो उसके फर्स्ट 3 डेज के फिक्स चार्जेस हैं। यानी कि शुरुआत में 3 दिन तक आप, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, शुरुआत में 3 दिन तक आप बुक रखो तो कोई टेंशन नहीं है। मान लो मेरी लाइब्रेरी में आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर कोई भी बुक ले जाओगे आप शुरू के 3 दिन तक तो कोई चार्ज नहीं है, फिक्स चार्ज ही। यानी कि मान लो मैं आपसे कहता हूँ शुरू के थ्री डेज तो फिक्स चार्ज हैं। आपने पूछोगे कितना फिक्स चार्ज है, मैंने बोला शुरू के 3 डेज में 50 रुपीज़ देना होगा। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, चाहे आप 1 दिन के लिए ले जाओ, है ना, चाहे आप 2 दिन के लिए बुक रखो, चाहे आप 3 दिन के लिए रखो, 50 रुपये लूंगा मैं। लेकिन आगे पढ़िए, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ओके, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई देखो बुक ले जा रहे हो 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज लगेगा 50 रुपये, उसके बाद हर एक दिन 5 रुपये एक्स्ट्रा आप पे फाइन लगेगा। ओके, तो 5 रुपीज पर डे के हिसाब से मैं लेता हूँ। अब आप मेरे से बुक ले गए, आप 7 डेज में वापस करते हो, कितने डेज में, 7 डेज में, तो तुरंत मैं अपना कैलकुलेशन लगा लूँगा, मैं बोलूँगा अच्छा 7 डेज के लिए बुक ले गया है तो क्या करूँगा, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा, मैं कितने कमाने वाला हूँ ये मैं चेक करूँगा। तो मैं ये चेक करूँगा कि इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ लूँगा, तो ये आ जाएगा 3 डेज प्लस 4 डेज। और इसमें ही क्यों ब्रेक किया है मैंने, इसलिए क्योंकि 3 डेज का तो सिर्फ मुझे 50 रुपीज़ ही मिलेगा शुरुआत के 3 दिन का, और मैं ये चेक करूंगा और ज़्यादा डेज कितने हो रहे हैं, तो कितने ज़्यादा डेज हो रहे हैं, 4 डे। और मैंने क्या बोला था, शुरू के 3 दिन तो 50 रुपये लगेगा और उसके बाद हर एक दिन 5-5 रुपये लगेगा, यानी कि यहाँ से मेरे को कितना अर्निंग होगा, 4 डेज का कितना दोगे आप मुझे बताओ, 20 रुपये, क्योंकि 1 दिन का कितना देते हो 5 रुपये, तो 2 दिन का 2 × 5, तो 3 डेज का 3 × 5, तो 4 डेज का 4 × 5, तो इतना मुझे मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो प्रॉब्लम है क्या कोई, देखिए A lending library has a fixed charge for the first 3 days, ठीक है, and additional charges for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. देखिए भाई, सरिता ने कोई बुक रखी है, कितने दिन रखी है आपको देखना, दिन से ही तो पैसे डिसाइड होंगे ना, रुपीज डिसाइड होंगे, कितने दिन के लिए रखती है, 7 days के लिए। ओके, कितने दिन के लिए रखती है, 7 days के लिए रखती है। आप बताइए रूल क्या है लाइब्रेरी का, शुरू के 3 दिन तक फिक्स होगा, उसके बाद पर डे, शुरू के 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद पर डे कुछ चार्जेस लगेंगे पर डे के हिसाब से, है ना, तो आप इसको तुरंत ब्रेक कर लोगे 2 पार्ट्स में। ओके, कैसे ब्रेक करोगे, 3 डेज प्लस 4 डेज में। ओके, अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, वाइल सूजी SUSY सूजी या ससी जो भी आप इनिशिएट करें, जो भी है, सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ओके, तो सूजी कितने दिनों के लिए रखती है किताब को, 5 डेज, और 5 डेज को फिर से कैसे ब्रेक करोगे बताओ, 3 डेज प्लस 2 डेज, क्यों, क्योंकि 3 डेज तो 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे उसे, और 2 डेज जो उसने एक्स्ट्रा रखा, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है, 5, उसके लिए पर डे के हिसाब से उसको देना होगा। चलिए आइए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फाइंड द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज ही नहीं पता है हमें, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, तो मान लीजिए लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स, ओके, कहाँ लिखोगे आप, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, बोल रहा हूँ लेट द फिक्स चार्ज भी, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। ओके, फिक्स चार्ज कितना है, रुपीज एक्स है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे बी, एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, पर डे मतलब 1 दिन का। ओके, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे बी, पर डे बी रुपीज वाई। ओके, हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको, रुपीज वाई। तो चलिए बताइए भाई, सूजी कितना पे कर, सॉरी सरिता कितना पे करेगी बताइए, 3 डेज का कितना पे करेगी, एक्स रुपीज प्लस, ये तो फिक्स हो गया ना 3 डेज का, कितना है 3 डेज का फिक्स चार्ज, एक्स रुपीज, और 4 डेज में कितना पे करेगी, जो एक्स्ट्रा 4 दिन किताब उसने रखी है, कैसे निकालेंगे,
एक्स्ट्रा चार्ज पर डे एक दिन का कितना देता है वाई, दो दिन का कितना देगा टू वाई, थ्री डे का कितना देगा थ्री वाई, तो फोर डे का कितना देगा फोर वाई। सुनो, सरिता ने एक्स रुपीज फिक्स दिया, क्योंकि वो चार दिन एक्स्ट्रा किताब रखती थी और एक दिन का चार्ज था वाई, तो फोर वाई एक्स्ट्रा चार्ज देगी। टोटल कितना दिया सरिता ने, सरिता ने टोटल कितना दिया, सरिता पेड रुपीज 27, यानी कि ये हो जाएगा किसके इक्वल 27 के। इसी तरीके से सूजी का करते हैं, थ्री डेज शुरू के जो है कोई टेंशन नहीं है, फिक्स चार्ज लगेगा कितना है एक्स रुपीज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, है ना, हर दिन का चार्ज कितना है रुपीज वाई, तो एक दिन में वन वाई, टू दिन में टू वाई, टू ही डेज तो रखा है उसने एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना देगी टू वाई। सुनिए, फिक्स चार्ज भी देती है एक्स और एक्स्ट्रा टू डेज का टू वाई देती है, लेकिन टोटल कितना देती है सूजी 21 रुपीज, तो इसको किसके इक्वल रखोगे 21 के। बस अब कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और सेकेंड इक्वेशन है आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। ओके, चलिए क्या करोगे भाई, x को एलिमिनेट करना बहुत ईजी है ना, x देखिए यहाँ भी x है, यहाँ फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y 2y होगा, 27 माइनस 21 7 होगा, y इज इक्वल्स टू 7/2, 7/2 कितना होता है 3.5, है ना, तो रुपीज 3.5, यानी कि लाइब्रेरी का जो यहाँ पे शायद कुछ गलती हुई है, देखते हैं, कुछ गलती हुई है यहाँ पर हमसे, 7 माइनस 1 कितना होता है, 7 माइनस 1 होता है आपका 6 होता है। ओके, 7 माइनस 1 कितना होता है 6 होता है, ये आ जाएगा आपका कितना 3, y इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है भाई, है ना, 7 माइनस 1 6 होता है ना, ये 2 उधर डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि पर डे का चार्ज कितना है, आंसर नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे y था ना, तो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का कितना आएगा रुपीज 3। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y को एलिमिनेट करके, है ना, तो इक्वेशन को फिर से देखते हैं, ये दोनों इक्वेशंस थी, इसी की हेल्प लेते हैं फिर से और x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ऊपर y का कोफिशन कितना है 4, नीचे भी बनाना है, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कर लोगे आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x, ये 2 2 4 और 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 42। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस 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 2, एक्स को इस बार आना है भाई, 4y कैंसिल, माइनस 2x प्लस x माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 42 में से 27 माइनस करो, 12 माइनस 5 माइनस 7 5 होता है और ये 1 हो जाएगा, माइनस 15 माइनस, क्यों 42 बड़ा, इसका साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 15, यानी कि फिक्स चार्ज लाइब्रेरी का कितना है रुपीज 15। ओके, तो फिक्स चार्ज है रुपीज 15 और पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे 3 रुपीज के हिसाब से। ओके।